Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. तो guys, आज अपन ने फिर से कर दिया vlogging start. आज है Saturday और अपन जा रहे हैं कॉलेज. आप देख सकते हैं कॉलेज वाला मतलब अभी घर के रास्ते पे पहुंचा और सुबह सुबह का टाइम है. थोड़ी बहुत धूप यहाँ पे लगी रही है. तो गाइस बड़े दिन हो गए थे कोई ब्लॉग वगैरह अपडेट नहीं किया, हमने अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे. एक तो करा था, पता नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, वो अपलोड हुआ ही नहीं. तो उसके बाद मन नहीं किया अपलोड करने का. तो आज सोचा कॉलेज जा ही रहा हूँ, मतलब डेली जाता हूँ, तो आज मन कर गया बनाने का. तो सोचा कि कर लेते हैं स्टार्ट और थोड़ा बहुत जो है वो कर लेंगे वीडियो शूट और डाल देंगे. बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं आज स्पेशल वाला, बस यही है. तो गाइस एक बात मैं और बता दूं आपको, हमारे जम्मू कश्मीर में पता नहीं एक तो बारिश से कैसी मतलब भयंकर वाली सर्दी हो गई है यहाँ पे. अभी तो अभी भी देख ही सकते हैं यहाँ पे हवा चल रही है, मज़ा आ रहा था रास्ते रास्ते से मतलब गाड़ी वाली साइड, तो यहाँ पे बड़ी ज़्यादा हवा चल रही है, ठंड भी बड़ी हो गई है. पर अब तो धूप लगी है, सुबह शाम को बड़ी ज़्यादा ठंड है. तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ का वेदर, और हमारा नेशनल हाईवे धूप वगैरह लगी है. और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, ये कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ से नीचे, और हवाएं देखो मतलब हवा चल रही है बड़ी ठंडी ठंडी. तो बस यही है, अभी मौसम तो बेस्ट है, मतलब बारिश का कोई वो नहीं है, सीन नहीं है. अगर बाई चांस हो भी गई ना तो बड़ी भयंकर वाली सर्दी हो जाएगी यहाँ पे. तो गाइस अपन पहुँच गए हैं हाईवे पे और गाड़ी भी आ ही गई है, देख ही सकते आप लोग गाड़ी बड़ी. सो हे गाइस, अपन कॉलेज से आ गए वापस, मतलब कॉलेज से वापस आ गया, अब जा रहा है घर को. और गाइस बड़ा बुरा हाल है, थक गया यहाँ तक पहुँचते हुए, मतलब गर्मी बड़ी ज़्यादा है. सुबह तो ठंड थी पर अब गर्मी, भाई विश्वास नहीं होता ऐसी भी कोई सीज़न आएगा हमारे यहाँ. लेकिन उधमपुर में बड़ी ज़्यादा गर्मी है. अभी उत्तराखंडी से जा रहा हूँ घर पर, यार इनको सामान पकड़ा दिया थोड़ा सा. और देखो पीछे का व्यू कितना मस्त आ रहा है, मेरी शक्ल तो दिख नहीं रही है पर पीछे का व्यू मस्त है. इन दिन कॉलेज तो हमें जाना नहीं है क्योंकि पूजा हॉलीडेज हैं और कल वैसे भी संडे है, मंडे को दीपावली. तो आप सबको मेरी तरफ से दो दिन पहले हैप्पी दीपावली. बस फाइनली पहुँच गया था सबके घर, सामान वगैरह दे दिया, पीछे दिख ही रहा होगा थोड़ा बहुत. और बाकी बस अब थोड़ा सा रास्ता है, मेरा शाम को आएंगे घर, फिर उनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्लान वगैरह करने का. तो अपन तो पहुंच ही गया और कल हम भी जाएंगे शायद से दानों को झाड़ने के लिए, मतलब कि पहले तो उन्होंने सिर्फ काटे हैं, तो हम उनमें से धान जैसे चावल होते हैं वो निकालेंगे. चावल तो बाद में बनता है, पहले हम धान निकालेंगे उसमें से. फ्रेंडली घर आप चेंज करते हैं. तो हे गाइस अपन ने चेंज वगैरह कर लिया और देख ही सकते हो. और भाई बाकी तो मस्ती है सब, अभी भी ठंडी वाला मौसम हो गया, अब तो ठंड लग रही है. मैंने फिर भी एक टी शर्ट पहनी है, पर ठंड थोड़ी है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है पर ठंड है, ठीक है मेरा मानना ठंड है. और पीछे देख ही सकते हो मतलब धूप जो है वो चली गई है और लू जो ठंडी लू है वो चलना चालू हो गई, मतलब ठंडा कोहरा पड़ना चालू हो गया. लू बोल रहा हूँ मैं, कोहरा पड़ना चालू हो गया है. तो इसी का ठंडा भी आप देख ही सकते हो, हमने थूम वगैरह जो है वो पूरा लगा रखा है और यहाँ से पूरा खेत जो है वो थूम से भर रखा है. ये भर रखा है और ये वाला भी पूरा भर रखा है, मतलब पूरे खेत में थूम ही थूम लग रहा है अभी. यह कुछ शाम के टाइम का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ से, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ छत पे और सामने का कुछ ऐसा है, मतलब धूप वगैरह कुछ नहीं है पर ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है और बस अंधेरा होने ही वाला है.
तो मैं तो आया था यहाँ पे थोड़ा घूमने फिरने के लिए, क्योंकि अंदर बैठ के क्या ही करना है। और लाइट भी नहीं है यार, लाइट का बड़ा सीन है, लाइट तो आ ही नहीं रही है, 4-5 दिन हो गए लाइट तो कभी दिखी नहीं मेरे को, तो बस यही है। तो गैस अब जो गए थे ना खेत में धान काटने के लिए, उनसे मिलवाते हैं, पर वो आ ही नहीं रहे, पता नहीं कब आएंगे। तो उन्हीं का वेट है, तभी आया था उन्हीं को देखने के लिए मैं यहाँ पे। और ये कुछ ऊपर का व्यू है, मतलब ऊपर तो पेड़ ही दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा। तो गैस जिनका वेट था वो तो आए नहीं, तो अपन वेट कर करके अब तक थक चुके हैं, मतलब शाम हो गई, अंधेरा हो गया बड़ा ही ज़्यादा वाला। और तो उनका वेट करना तो बेकार ही है, मतलब लेट ही पहुँचेंगे। तो गैस देख सकते हो अपोजिट साइड का भी कुछ अच्छा है, मतलब NH44 जो है वो जगमगा रहा है। और दिवाली भी आ गई है तो इसकी वजह से लोगों ने लाइटिंग वगैरह भी की है, वो भी थोड़ी बहुत दिख रही है यहाँ से। तो गाइस यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग, इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।